कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद में पहले और तीसरे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है। कुछ मामले जो कि दीवानी से संबंधित आए थे, ऐसे मामले भी आ रहे हैं। ऐसे मामलों की दीवानी से ही निस्तारण होगा, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य सहित अन्य पुलिसकर्मी व फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, जब वो आया दरोगा जी आए, दरोगा जी से बात की एप्लीकेशन है उसके पास है सर, पूछ लीजिए एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। थाना समाधान दिवस जैसा कि सभी जानते हैं पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होता है, आज भी चल रहा है थाना दिवस। थाना दिवस में ज़्यादातर छोटे छोटे जमीनी झगड़े के मामले आ रहे हैं, जिसका जो राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मिलकर के संयुक्त रूप से समाधान करती है। आज अभी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, अभी डेटा समाधान दिवस समाप्त होने के बाद अंतिम रूप से बताया जा सकता है। दरअसल लोगों की अपेक्षाएं पुलिस और राजस्व से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दीवानी संबंधी मामले को भी वो लोग चाहते हैं कि पुलिस और राजस्व की टीम समाधान करे, जो संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक राजस्व और पुलिस से संबंधित है, उन सबका समाधान किया जा रहा है।